दोस्तों पद्मावती मूवी रिलीज होने वाली है और पद्मावती मूवी पे बहुत बवाल मच रहा है करणी सेना का। वो कहते हैं कि हम मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पद्मावती मूवी पे इतना बवाल क्यों मच रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने आसपास की जानकारी रखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गलती किस, क्या संजय लीला भंसाली की गलती है या फिर करणी सेना की गलती है, कौन जिम्मेदार है, आज जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। तो मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको कुछ डेटा पढ़ के बता देता हूँ करणी सेना के बारे में। करणी सेना ने 27 जनवरी 2017 को जयपुर में पद्मावती का सेट बर्बाद कर दिया। इसके अलावा संजय लीला भंसाली पे भी लात घूसों की बारिश की, थप्पड़ मारे उनको। 5 मार्च 2017 को उन्होंने चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जो है पूरा बर्बाद कर दिया, वहाँ तोड़फोड़ मचाई। जयपुर में राजमंदिर जो सिनेमा हॉल है उसके बाहर इन्होंने पोस्टर जलाए। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़फोड़ की और मध्य प्रदेश में तो इन्होंने हद ही कर दी। मध्य प्रदेश के में बीजेपी के लीडर अखिलेश खंडेलवाल ने ये प्राइज अनाउंस कर दिया कि जो भी संजय लीला भंसाली को थप्पड़ लगाएगा और जूते बरसाएगा उस पर 10,000 का इनाम रख दिया। इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता हमारे देश के लिए कि जहाँ के लीडर ही ऐसी चीज़ें बताते हैं। उन्होंने सिनेमा मालिकों को धमकी दे दी कि भैया अगर तुमने ये फिल्म रिलीज करवा दी तोड़फोड़ मचा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बेहाल कर देंगे। इन्होंने करणी सेना ने दीपिका पादुकोण को धमकी दी कि अगर मूवी रिलीज़ हो गई तो उसकी नाक काट देंगे। आप सुनिए, देखिए आप वीडियो में ये लोग क्या कहते हैं, कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं। तो दीपिका जी आप भी सुरक्षित रहिएगा, राजपूत क्षत्रिय है, हाथ नहीं उठाएंगे, पर सूर्यपंखा की तरह नाक काटना अभी छोड़ा नहीं है क्षत्रिय ने। स्वयं ये जिम्मेदारी लेता हूँ क्षत्रिय समाज की तरफ से कि अगर संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण जी ने पद्मावती फिल्म को वापस नहीं लिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी हम जो 5 करोड़ रुपए का उनकी गर्दन काटने पे इनाम की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में कि इन लोगों को किसी का डर नहीं है। रानी पद्मावती का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है इतिहास में, वो अपने त्याग के लिए जानी जाती है, उन्होंने जो जौहर ले लिया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो ये इतना उछल रहे हैं पद्मावती की मूवी पे, ये इन लोगों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच में रोमांटिक सीन है जो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन लोगों ने किसी ने भी मूवी नहीं देखी, और जिन्होंने भी मूवी देखी है अभी तक वो ये बताते हैं कि मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें उनकी भावनाओं को भड़क लगे। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है ना जो मूवीज पे वॉच रखता है, मूवीज कौन से रिलीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उनको सर्टिफिकेशन देता है। क्या इन लोगों को उन पर भी विश्वास नहीं है? ये लोग कहते हैं कि संजय लीला भंसाली ने हमें मूवी नहीं दिखाई। अरे भैया क्यों मूवी दिखाएं तुम्हें? तुम क्या सेंसर बोर्ड से ऊपर चले गए? या तो गवर्नमेंट ये करे कि सेंसर बोर्ड को हटा दे। संजय लीला भंसाली की गलती ये है कि उन्होंने मूवी बनाई, एक मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, कितना पैसा लगता होगा, कितने लोगों का काम लगता होगा, तब जाके वो मूवी तैयार होती है। कोई हलवा नहीं है मूवी बनाना। तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगा, करणी सेना जैसे लोगों को जिन्होंने बस हाथ में हथियार उठाया और तोड़फोड़ मचा दी, तुम्हें क्या टाइम लगता है? दोस्तों मैं इस मुद्दे पे करणी सेना को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, इसमें गलती है हमारे सरकार की। क्या करती है सरकार जब वहां पे लोग तोड़फोड़ मचा देते हैं? प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। अगर तुम्हें लगता है कि मूवी में कोई गलती है तो तुम उसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज कि इंडिया में हमेशा ही ऐसा होता है, जिसकी जब मर्जी आई जिसने तोड़फोड़ मचा दी। लास्ट टाइम की बात है जब बलराम रहीम गिरफ्तार हुआ था, तब इन्होंने इनके समर्थकों ने पूरे पंचकुला को जला दिया था। इसके बावजूद कि वहां पे आर्मी पर्सनल थे, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, वहां पे पुलिस वाले थे, क्या उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई थी? कुछ भी नहीं कर पाए वो। इंडिया में क्या यही चीज रह गई है कि बस हम इन सब चीजों पे झगड़ा करें? प्रोटेस्ट करना है आप शांतिपूर्ण तरीके से करो, सावैधानिक तरीके से करो। आपको अगर लग रहा है कि गलती है तो आप सेंसर बोर्ड के पास जाओ, सेंसर बोर्ड रिलीज ही नहीं करेगा अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड सारी चीजें देख के रिलीज करता है कोई भी मूवी को। आपको एक डेटा बताता हूँ, मेरे पास डेटा है, आप देखेंगे राजस्थान में कितनी पुलिस स्ट्रेंथ है उसका डेटा है। राजस्थान में 1256 इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर की संख्या 4500 है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 6000 के करीब है, हेड कांस्टेबल 13500 हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल राजस्थान में 78000 से भी ज्यादा कांस्टेबल है। इसके अलावा मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है उनके पास अलग से रिजर्व रहता है, वो अलग चीजें होंगी। फिर भी इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि ये लोग आके तोड़फोड़ मचा जाते हैं? कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट जो हमारी इस चीज से डरी हुई है कि यार अगर इनको कुछ कह दिया तो वोट कहां से मिलेंगे हमें, सारी वोट की राजनीति है तभी इनके सर सूजे हुए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री को आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों से हम आगे नहीं बढ़ने वाले।
ऐसे टॉपिक पे लड़के हम आगे नहीं बढ़ने वाले। लड़ाई करनी है हम एकजुट मिलकर, गरीबी के खिलाफ लड़ाई करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करें। उस पे करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा कि नहीं, हमें हमारे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं उन लोगों पे, मैं यहाँ के कानून पे विश्वास करता हूँ, मैं यहाँ के संविधान पे विश्वास करता हूँ और मैं यहाँ की गवर्नमेंट से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों पे नकेल कस के रखे और जो कुछ लोग जो वोट की राजनीति करते हैं वो ऐसा ना करें। दोस्तों ये वीडियो तो मैंने इसीलिए बनाया था, मेरा जो अपने व्यूज है इस टॉपिक पे वो आप लोगों को बताने के लिए बनाया था। आई होप आप भी ऐसा ही सोचे क्योंकि हमें इन सब चीज़ों पे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम जिस मोटिव से काम कर रहे हैं, जिस अच्छे मोटिव से काम कर रहे हैं, उस मोटिव से काम करते रहे ताकि हम सब आगे बढ़ते रहे। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा, जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।